पहली बार मुंबई आ रहे हो और आपको कुछ नहीं मालूम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहन और आप सबको देसी इंजन चैनल पे एक नई वीडियो के साथ फिर से स्वागत है। और आज हम आए हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पे, और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का जो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 18 और मैं प्लेटफॉर्म नंबर 18 के बाहर खड़ा हूँ। और ये देखिए रोड और यहाँ पे पार्किंग एरिया, बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है। नंबर प्लेटफॉर्म पे राजधानी एक्सप्रेस आके खड़ी है और पैसेंजर सभी बाहर निकलने वाले हैं। ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 18 है ये सीधा बाहर निकलने का रास्ता है और इसी से हम बाहर निकलेंगे। देखिए एक प्यारा सा गार्डन चेक स्टेशन के सामने, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये सामने आपको लिफ्ट मिल जाएगा। हम लिफ्ट से नहीं जाएंगे, हम ये रास्ते से जाएंगे ताकि आप सबको आसानी हो। और ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 18 से 8 से 17 को जाने वाली ये रास्ता है। 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म, और उसी रास्ते से हम आए थे 18 नंबर प्लेटफॉर्म से, और ठीक हमारे पीछे ही है बाहर निकलने की रास्ता। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। रास्ते से आप आओगे तो सीधे आपको मिलेगा ये स्नैक्स का दुकान, ये है वेटिंग लॉन्च, और ये रहा वेटिंग रूम। ये वेटिंग रूम जेंट्स के लिए है और लेडीज़ के लिए अलग से बनाया हुआ है। ये देखिए वेटिंग रूम लेडीज़, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। और ठीक आपके सामने मिलेगा नमाज स्विमिंग पॉट्स, जो कि 499 में आपको लेना पड़ेगा। अभी हम 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म से सीधे बाहर आ चुका हूँ, और यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हो और चाहे तो आप लोकल ट्रेन भी पकड़ सकते हो। फ्रेंड्स ये देखिए एग्जिट पॉइंट, और इस तरफ देखिए सब प्लेटफॉर्म लगा हुआ है, 12, 11, 10, 9, 8 सब पैसेंजर वेट कर रहे हैं। अब आप एग्जिट करोगे आपको ये लेफ्ट हैंड में टिकट काउंटर मिल जाएगा, और बाहर आओगे तो सामने एकदम सामने ही प्रीपेड टैक्सी आपको मिल जाएगा। देखिए और ये सामने रहेगा रिजर्वेशन सेंटर, सेंट्रल रेलवे। से देखिए एक से लेके 18 तक प्लेटफॉर्म का जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो है। अगर आपको लोकल ट्रेन पकड़नी है तो आप 1 से लेके 7 का जो प्लेटफॉर्म है उसमें आप लोकल ट्रेन पकड़ सकते हो, और इसी रास्ते आपको बाहर निकलना पड़ेगा अगर आप टैक्सी पकड़ना चाहे तो। 8 से लेके 18 का जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन के लिए है, और अगर आपको लोकल बस पकड़नी है तो वो भी रास्ता मैं आपको बता देता हूँ। जो सामने का जो रास्ता गया है वो सीधे बस स्टॉप पे जाके मिला है। और ये रहा आपके सामने बस स्टॉप, और यहाँ से बस पकड़ के आप गेटवे ऑफ इंडिया मरीन ड्राइव जा सकते हो।
और ये है बिहम मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय और इसके ठीक सामने ही है CSMT टर्मिनस। बहुत ही ब्यूटीफुल है। और अभी हम सबवे के रास्ते प्लेटफॉर्म में एंट्री करेंगे, तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबवे में दोनों तरफ दुकान लगा हुआ है और यहाँ पे आप छोटी मोटी शॉपिंग भी कर सकते हो। सबवे से जब आप ऊपर आओगे प्लेटफॉर्म की तरफ तब सामने ही आपको एक बुकिंग ऑफिस देखने को मिलेगा। और CSMT को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा हासिल है। जो बाहर से यात्री आते हैं उनके सुविधा के लिए हम 18 नंबर प्लेटफॉर्म से शुरुआत किए थे और फिर हम एक्सिस के थ्रू प्रीपेड टैक्सी की तरफ बढ़े और फिर रोड क्रॉस करके सबवे के थ्रू हम फिर से प्लेटफॉर्म में एंट्री किए और इसी तरह हम पूरे स्टेशन को कवर कर लिए। एक बात ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर 7 तक जो प्लेटफॉर्म का गाड़ी छोड़ती है वो लोकल ट्रेन है और अगर आप जाना चाहते हो थाने, पनवेल, अम्बरनाथ, खपोली, घाटकोपर तो यहाँ से आपको डायरेक्ट लोकल ट्रेन मिल जाएगा और अगर आप जाना चाहते हो बांद्रा, अंधेरी, विरार, नालासोपारा, मलाड तो आपको दादर में उतर के ट्रेन चेंज करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना।